हांसी में वफाय समाज एनजीओ के संस्थापक व प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश सिंगला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने व्यापारी व उद्योगपतियों के पिछड़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगवाए जा रहे जीएसटी से आज व्यापारी पूर्णतया दास प्रथा में अपना व्यापार कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की गलत टैक्सों के कारण आज व्यापार बाजारों में खत्म हो चुका है। आज व्यापारी आत्महत्या जैसी कृत कार्य करने पर मजबूर है और बीजेपी सरकार जीएसटी द्वारा दिन प्रतिदिन टैक्सों को बढ़ोतरी से व्यापारी नेता तंग होने लगे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं होने से व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जीएसटी में संशोधन करने की मांग की है, जिससे व्यापार को सही तरीके से किया जा सके और जनता को महंगाई से राहत मिल सके। दिक्कतों का सामना जीएसटी वालों को करना पड़ रहा है। देखो जी, जो छोटे व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं, वो पूर्ण दास प्रथा में जी रहे हैं। जीएसटी ने पूर्ण रूप से व्यापारों को खत्म कर दिया है। दो व्यापारियों में इतनी भिन्नता है, कच्चे के और पक्के के व्यापारियों में भिन्नता के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। भिन्नता इसलिए है क्योंकि जीएसटी एसरल है और महंगा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इससे व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। इससे राजस्व को भी नुकसान हो है, इससे छोटे छोटे व्यापारियों को उनकी दुर्दशा हो रही है, इससे जो किसान हैं, किसानों की जो फसल के भाव हैं, जो छोटे उद्योगपति उनकी कच्चे माल को के रूप में खरीदते हैं, उनको पूर्ण रूप से पूरे भाव नहीं मिलते। इसके साथ साथ मजदूर को भी काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, जिससे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसमें एक सरल पॉलिसी, बिल्कुल GST, गुड्स सर्विस एंड इनकम टैक्स के रूप में इसमें संशोधन करना ज़रूरत है। इसके तहत 2%, 3%, 4%, 5% 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे एवरेज में ये टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में ले, अगर सरकार लेगी तो राजस्व कम से कम 4 से 5 गुना भी प्राप्त हो सकता है और व्यापारी भी बचेंगे, व्यापार भी बचेंगे, हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, वो भी कुशलता से जीवन जिएंगे और जो जनता जीएसटी के कारण महंगाई के रूप में इसे भोग रही है वो भी कम होगा और पूंजीवाद इस जीएसटी को CD एडजस्टमेंट के रूप में अपनी डायरेक्ट जेब में डाल देता है, जिससे उसकी डायरेक्ट अवैध इनकम मिलती है उसको। तो कैसे मिलेगा, क्योंकि वो असरल है, अवैध है, अवैध पूर्ण रूप से उसमें ये मान के चलो लूटा जा रहा है, व्यापारी से पूछा जा रहा है। पहले ये बैठ के रूप में 5% था, अब 12 कर दिया। पहले ये 2% CST था सिर्फ, अब 18 कर दिया। तो अब आपकी सरकार से क्या मांगे? मेरी तो सरकार से यही निवेदन है जी, आखिर इस GST में संशोधन करके GSIT बना दो इसको 1 अप्रैल से, ताकि व्यापारी सरलता से व्यापार करे, ना तो वो मानसिक दास प्रथा में जिए, ना आर्थिक दास प्रथा में जिए। वो भी आज 72 साल हमारे देश को आज़ाद हुए होंगे, वो भी सरलता से अपना व्यापार करे और स्वच्छता से अपना जीवन यापन करे। इसमें काफ़ी खामियाँ हैं। हांसी से केशव दमीजा। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.